हाय मेरे प्यारे बच्चों, मैं सुभाष, मैं इंसान भी सुभाष देवी माध्यमिक विद्यालय इंटरमीडिएट कॉलेज इलाहाबाद महाराजगंज। आज के इस ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके पहले ऑनलाइन क्लासेस में मैंने आपको कितना चैप्टर इंग्लिश ग्रामर का पढ़ाया जा चुका है, क्या क्या पढ़ाया जा चुका है, शॉर्ट में मैंने इसके पहले वाले ऑनलाइन क्लासेस में आपको बताया कि क्या क्या आप लोगों ने पढ़ा है। आज क्लास 8 इंग्लिश ग्रामर चैप्टर 8 यूज ऑफ आर्टिकल्स ए एन एंड दे। प्यारे बच्चों, जैसा कि पिछले क्लासों में आप लोग पढ़ चुके होंगे कि देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, यानी अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं। ये पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में भी बताया गया होगा क्या क्या सेंटेंस किसे कहते हैं, वर्ड किसे कहते हैं, लेटर किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पिछले ऑनलाइन क्लासों में बताया जा चुका है। आज ये भी पहले बताया जा चुका है कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके 26 लेटर होते हैं, 26 अक्षर होते हैं। उन 26 अक्षरों को दो कैटेगरी में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। वे क्या कहलाते हैं? वावेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। वावेल्स को हिंदी में स्वर कहा जाता है, कॉन्सोनेंट्स को हिंदी में व्यंजन कहा जाता है, व्यंजन। तो वावेल में कौन कौन आते हैं? ए, ई, आई, ओ और यू। ये पांच अल्फाबेट, पांच लेटर इंग्लिश अल्फाबेट में वावेल कहे जाते हैं, स्वर कहे जाते हैं। और इसके उपरांत जो 21 लेटर बचते हैं, जो 21 अक्षर बचते हैं, उन्हें कॉन्सोनेंट या हिंदी में व्यंजन कहा जाता है। इनमें बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एफ, टी, बी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। ये पांच और ये 21, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, यानी दोनों मिला के आपके हो गए 26 लेटर। यानी इंग्लिश वर्णमाला में आपके 26 लेटर होते हैं। अब शब्दों में किन का प्रयोग कहाँ किया जाता है, ए का प्रयोग कहाँ किया जाता है और एन का प्रयोग कहाँ किया जाता है, डी का प्रयोग कहाँ किया जाता है, ये इसी विषय में आपको पढ़ना है। इसमें ए तथा एन का यूज इनडिफिनिट आर्टिकल के रूप में किया जाता है, इनडिफिनिट आर्टिकल के रूप में किया जाता है ए और एन का उपयोग। क्योंकि क्यों इनडिफिनिट कहा गया है कि ए और एन का कहाँ यूज हो जाता है? बताया जाता है कि जहाँ व्यंजन यानी जो कॉन्सोनेंट से जिस शब्द की शुरुआत हो वहाँ ए लगाया जाता है, जहाँ वावेल से शुरुआत हो वहाँ एन लगाया जाता है। लेकिन बहुधा इसमें कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले में भी ए का प्रयोग हो जाता है, सॉरी एन का प्रयोग हो जाता है, और वावेल से शुरू होने वाले में भी एन का ए का प्रयोग हो जाता है। तो इसलिए इसे इंडेफिनिट आर्टिकल के तहत प्रयोग किया जाता है, जबकि डी को हम डेफिनिट आर्टिकल के रूप में यूज करते हैं, डेफिनिट आर्टिकल। अब कहाँ हम ए का प्रयोग करते हैं, कहाँ एन का प्रयोग करते हैं, कहाँ डी का प्रयोग करते हैं, अब बारी बारी आप इसको देखेंगे। तो सबसे पहले ए का प्रयोग कहाँ किया जाता है? देखिए, ए का मतलब होता है एक। जब कोई वर्ड किसी शब्द की शुरुआत कॉन्सोनेंट से होती है, कॉन्सो
जब किसी शब्द की शुरुआत कॉन्सोनेंट से होती है यानी जो 21 लेटर हैं उससे होता है तो उस शब्द के पहले हम प्रायः ए का यूज करते हैं। जैसे ये है बैग, इसकी शुरुआत कॉन्सोनेंट से हो रही है इसलिए इसके पहले हम ए लगाते हैं। ये है पेन, इसकी शुरुआत प्रायः कॉन्सोनेंट से हो रहा है इसलिए हम इसके पहले ए का प्रयोग करते हैं। फिर आयन माने भी एक होता है, आयन का मतलब भी एक होता है। अब इसकी शुरुआत का इसका प्रयोग कहाँ किया जाएगा, क्योंकि ए माने भी एक और एन माने भी एक, लेकिन प्रायः जब किसी शब्द की शुरुआत वावेल से होती है तो उसके पहले हम प्रायः एन का प्रयोग करते हैं। जैसे अम्ब्रेला है, इसकी शुरुआत वावेल से हो रही है इसलिए हम यहाँ एन लिखते हैं। आउल हमने लिख दिया, इसकी शुरुआत प्रायः वावेल से हो रहा है इसलिए हम एन से एक के लिए एन का यूज करते हैं। तो इस तरह से ए का प्रयोग ऐसे शब्दों के पहले जिनकी शुरुआत कॉन्सोनेंट से हो रही है, एन का प्रयोग ऐसे शब्दों के पहले जिसकी शुरुआत वावेल से हो रही है। अब आगे आते हैं, और एन का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है देखिए। यूनियन, यह एक ऐसा शब्द है जिसकी शुरुआत वावेल से हो रही है, लेकिन ऐसे शब्द जिनकी शुरुआत वावेल से हो और उसका प्रोनाउंसिएशन हिंदी का कॉन्सोनेंट हो तो प्रायः हम इसके पहले ये लिखते हैं। अब ये नहीं देखा जाएगा कि वावेल है लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन हिंदी में कॉन्सोनेंट से हो रहा है इसलिए इसके पहले हम ये लगाते हैं। यूरोपियन, देखिए ये भी वावेल है लेकिन इसका हिंदी प्रोनाउंसिएशन देखिए यूरोपियन, तो इसके पहले भी हम ये लगाएंगे, यहाँ ये लगाएंगे क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन यह हो रहा है हिंदी का कॉन्सोनेंट हो रहा है, हिंदी का व्यंजन हो रहा है इसलिए हम उसके पहले ए का प्रयोग करेंगे। अब क्योंकि नियम यह है आयन के प्रयोग में कि जिसकी शुरुआत वावेल से हो, लेकिन यहाँ देखिए रमेश एक ईमानदार लड़का है, रमेश इज एन ऑनेस्ट बॉय, ये एडजेक्टिव ऐसा है जिसकी शुरुआत इंग्लिश के कॉन्सोनेंट से हो रही है फिर भी हम एन लगा रहे हैं। क्यों? अगर ऐसा शब्द जिसकी शुरुआत इंग्लिश के कॉन्सोनेंट से हो और उसका प्रोनाउंसिएशन अगर हिंदी का वावेल आ रहा है, ये आने ये हिंदी का वावेल है, तो प्रायः ऐसे शब्द जिनकी शुरुआत इंग्लिश अल्फाबेट के कॉन्सोनेंट से हो रही है और उसका प्रोनाउंसिएशन हिंदी के वावेल में आ रहा है तो इसके लिए हम इसके कॉन्सोनेंट से शुरुआत होने के बावजूद भी हम हिंदी वर्णमाला का ध्यान रखते हुए हम एन का प्रयोग करते हैं। अब आइए द का प्रयोग, डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग, द जिसे हम डिफिनिट आर्टिकल कहते हैं।
समूहों के, समुद्र के, सूर्य के, आकाश के, जो नेचुरल चीज है उनके नाम के पहले हम द का प्रयोग करते हैं। देखिए द सन राइजेस इन द ईस्ट। देखिए यहां नेचुरल चीज सन, यहां दिशा, तो नेचुरल चीज दिशाओं के नाम के पहले, पहाड़ियों के नाम के, द्वीप समूहों के नाम के, समुद्रों के, सूर्य चांद आकाश पृथ्वी, इन सभी के नाम के पहले हम डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। अब द का प्रयोग कहाँ किया जाता है? प्रायः एडजेक्टिव जब आप पढ़े होंगे तो उसमें आप डिग्री पढ़े होंगे, एडजेक्टिव जब पढ़े होंगे तो उसमें डिग्री पढ़े होंगे, और एडजेक्टिव की तीन डिग्रियां होती हैं, एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री, सॉरी, और उसके पहले पॉजिटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तीन डिग्री पढ़े होंगे तो फिर डिग्री का आर्टिकल द का प्रयोग कहाँ किया जाता है? जब किसी सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है तो वहां भी हम डिग्री का आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे रमेश इज द वाइजेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। देखिए वाई इज वाइजर, वाइजेस्ट, वाइजेस्ट आपकी सुपरलेटिव डिग्री है, तो जहां भी सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है उसके पहले भी डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। अब द का प्रयोग कहाँ किया जाता है? जब किसी एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री को नाउन के रूप में यूज किया जाता है तो वहां भी डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। द मोर यू ईट द मोर यू become fat, the more you eat, जितना ही अधिक तुम खाओगे, the more you become fat, उतना ही अधिक तुम मोटे होगे। तो ऐसे स्थानों पर भी हम डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से प्यारे बच्चों कक्षा 8 इंग्लिश ग्रामर चैप्टर 8 यूज ऑफ आर्टिकल्स ए एंड बी, इस चैप्टर का पूरा फोटो भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दिया गया है। जो नियम दिया है उस नियम को आप पढ़िएगा और उस नियम के तहत आपको एक्सरसाइज मिलेगा, उस एक्सरसाइज को आप हल करिएगा। इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखिएगा। आशा करता हूँ कि आप लोग इस चैप्टर को समझ गए होंगे। अगर कोई परेशानी होगी तो आप फ्लुएंटली बेहिचक अनहेजिटेटिंगली आप लोग मुझसे कांटेक्ट करिएगा।